बिफोर स्टार्टिंग टूडेज क्लास अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं UGC नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं UGC नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज इन अवर एप्लीकेशन, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. सो वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, PVRC और क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. सो इट्स क्लियर नाउ, यू कैन जॉइन दीज क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 200 साल पुराना सम्राट अशोक का लिखा हुआ एक लेटर है जो कि मेरे पुरखों को मिला था सम्राट अशोक की तरफ से, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास 2000 साल पुराना पेपर है. बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं जो कह रही हूँ, जो मैं क्लेम कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत पुराना पेपर है, तो उस पर हम एज ऑफ डॉक्यूमेंट परफॉर्म करेंगे. उसकी एज पे, उस डॉक्यूमेंट की एज पे क्या हो गया, क्वेश्चन लग गया. तो आप एज ऑफ डॉक्यूमेंट पता करेंगे. अब एज ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, एज ऑफ पेपर इज रफ इंडेक्स. तो जो पेज का जो एज है पेपर का, जो पेपर का एज है वो रफ इंडेक्स है. आप कोई बर्थडे थोड़ी होता है पेपर का कि आप बोल सकते हैं कि 2 ईयर्स, 20 ईयर्स या 200 ईयर्स. तो एक रफ इंडेक्स होता है पेपर की एज. पेपर की एज क्या है, एक रफ इंडेक्स है उस डॉक्यूमेंट की एज का पता लगाने का. तो अब पेपर जितना पुराना है, डॉक्यूमेंट भी उतना ही पुराना होगा. पेपर से पुराना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट हो नहीं सकता. पेपर के पहले तो डॉक्यूमेंट बना नहीं है, तो पेपर पहले आया एंड देन वो डॉक्यूमेंट बना. तो इस वजह से आप डॉक्यूमेंट की एज भी पता लगा सकते हैं पेपर की एज से. ठीक है, द एज ऑफ द पेपर इज डिटेक्टेड बाय फैक्ट्री. तो कब की फैक्ट्री में वो पेपर बना है. फॉर एग्जाम्पल, एक कोई फैक्ट्री है जो कि 50 साल पहले ही बंद हो चुकी है, और मैं दावा कर रही हूं कि मेरे पास जो पेपर है वो कब का बना हुआ है, वो बना हुआ है, वो 20 ईयर्स ओल्ड है. बट 50 ईयर्स पहले ही ये जो फैक्ट्री है वो बंद हो चुकी है, तो वो 20 साल पहले कैसे मुझे पेपर बना के दे सकती है. तो फैक्ट्री पे डिपेंड करता है कि कौन सी फैक्ट्री में वो पेपर बना गया है. फिर वाटरमार्क है, तो वाटरमार्क क्या है, कैसा है. कंपोजिशन ऑफ फाइबर, फाइबर की कंपोजिशन क्या क्या है, क्या है उस फाइबर में जिस फाइबर से आपका पेपर बनाया गया है. साइजिंग एंड लोडिंग मटेरियल, तो साइजिंग एंड लोडिंग मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जो पहले के ज़माने में साइजिंग मटेरियल, लोडिंग मटेरियल थे वो डिफरेंट थे. अभी जो नए ज़माने के साइजिंग एंड लोडिंग मटेरियल है उनमें भी एडवांसमेंट आया है, डिफरेंस आया है. तो इन डिफरेंसेस को आप कैच करके एज ऑफ डॉक्यूमेंट का पता लगा सकते हैं. सम मैन्युफैक्चरर्स कीप द रिकॉर्ड ऑफ वाटरमार्क दे पुट सिंस टू इंडिकेट ईयर, साइंस टू इंडिकेट ईयर. तो कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वाटर मार्क लगाते हैं ताकि वो ईयर के बारे में पता लगा सके, या वो ये याद रख सके कि ये जो पेपर है वो 20 ईयर्स पहले ही बना था. तो वाटर मार्क में ये मार्किंग होती है, हर बार हर अलग अलग बैच के लिए न्यू वाटर मार्क्स मिलते हैं. जैसे कि 2020 में मेरी कोई फैक्ट्री है जो 2020 में जितने भी डॉक्यूमेंट या पेपर बनाएगी सब में 2020 का 2020 लिखेगी अपने किसी लोगों के साथ.
इस लोगो के साथ 2020 लिखेगी बिकॉज वो 2020 ईयर में ही सारा मैन्युफैक्चर हुआ है. जब जैसे ही 2021 आया तो सेम लोगों के साथ 2021 का वाटर मार्क आया. तो ईयर इंडिकेट करने के लिए, टाइम पीरियड इंडिकेट करने के लिए वाटर मार्क भी लगाए जाते हैं. एज ऑफ राइटिंग और डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद द एज ऑफ इंक. अगर आप एज ऑफ राइटिंग जानना चाहते हैं, एज ऑफ डॉक्यूमेंट जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एज ऑफ इंक से भी आपको आइडिया लगता है कि जो इंक है अगर वो 20 साल पुराना है तो जो पेपर है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट है, वो 20 साल से ज़्यादा पुराना तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो पेपर की एज जानने के लिए आप इंक की एज या डॉक्यूमेंट की एज भी पता लगाते हैं, तो आप एज ऑफ राइटिंग का भी पता लगा सकते हैं. यूज ऑफ पेन, कि आप किस तरीके के पेन का और कैसी इंक का इस्तेमाल करते हैं. तो जो अभी की इंक्स हम यूज़ करते हैं वो 60-70 साल पहले वो इंक का इस्तेमाल नहीं होता था. तो आप जिस तरीके की पेन यूज़ करते हैं, जिस तरीके का इंक इस्तेमाल करते हैं, वो भी टाइम का इंडिकेशन, एज का इंडिकेशन करता है. राइटिंग इंस्ट्रूमेंट भी, तो कैसे, जैसे कि इंडिया में 1950 के पहले बॉल पॉइंट, इन इंडिया बिफोर 1950 यूज ऑफ बॉल पेन वॉज ज़ीरो. 1950 के पहले बॉल पॉइंट पेन या बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं होता था भारत में. तो 1950 के पहले के जो भी डॉक्यूमेंट है वो बॉल पेन से नहीं बनाए गए हैं. तो 1950 के पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो इंक से रिलेटेड हो सकते हैं, फाउंटेन पेन से रिलेटेड हो सकते हैं, बट बॉल पेन आया ही 1950 में है. तो बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल 1950 के बाद ही होगा. तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो एज ऑफ डॉक्यूमेंट आपको बताते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो रेवेन्यू स्टैम्प्स है, जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं वो कुछ मार्क कैरी करते हैं. क्या करते हैं? कैरी मार्क कैरी करते हैं जो कि प्रिंटिंग का पीरियड इंडिकेट करती है कि कब इसकी प्रिंटिंग हुई है. रेवेन्यू स्टैम्प की प्रिंटिंग या जो रेवेन्यू स्टैम्प होता है उसमें कुछ ऐसी मार्किंग्स होती हैं जो कि प्रिंटिंग पीरियड को इंडिकेट करती है, जिसके थ्रू आप एज का पता लगा सकते हैं. इट इंडिकेट्स एज, जैसे मैंने बोला कि एज इंडिकेट करती है. ऑफिस चेंजेस देयर सील टाइम टू टाइम, तो जो ऑफिस है वो अपने सील्स को हर टाइम में बदलती है. जैसे 6 महीने में सील बदल जाएगा या 1 साल में सील बदल जाएगा, जो कि डिफेक्टिव होते चले जाते हैं. जो जितने भी सील्स आते हैं वो एग्जांपल 6 महीने में सील्स खराब हो जाते हैं, तो उस सील को 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, डिफेक्ट मार्क्स आने लग जाते हैं. तो कंपैरिजन और जो सील्स का कंपैरिजन होता है वो इसी आइडिया के थ्रू होता है कि थोड़े समय के बाद वो डिफेक्टिव हो जाते हैं और सील्स को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है. कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में हैव इवेंट, तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में हैव इवेंट विद हैपन एलिज्ड डेट ऑफ राइटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है, उस पे भी क्वेश्चनिंग हो सकती है कि एज ऑफ डॉक्यूमेंट या वो जब टाइम है जिस पे ये कंटेंट लिखा गया था वो कब का है. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एज ऑफ इंक, एज ऑफ डॉक्यूमेंट और एज ऑफ राइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अब आप आर्टिफिशियली भी पेपर को एजड बना सकते हैं. आर्टिफिशियली भी आप कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसके बाद ये लगेगा कि ये जो पेपर है वो आर्टिफिशियली एज किया हुआ है. क्या क्या हुआ है? आर्टिफिशियली एज किया हुआ है. तो अगर आप किसी चिमनी के आसपास उस पेज को रखते हैं, पेपर को रखते हैं, तो आर्टिफिशियल एजिंग हो जाती है. हल्का येलोइश, हल्का येलो कलर सा आ जाता है पेपर पे, जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा पुराना है. डस्ट की वजह से पेपर पुराना दिख सकता है, डर्ट की वजह से पेपर पुराना लग सकता है. सन और यूवी रेस के एक्सपोजर में आप अगर पेपर को ज़्यादा रखेंगे तो भी वो पेपर बहुत एजड पेपर लगेगा. आयोडीन फ्यूमिंग के वजह से भी आप पेपर की हेल्प से, आयोडीन फ्यूमिंग की हेल्प से आप पेपर को आर्टिफिशियल एज करा सकते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट, यस. पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल भी आर्टिफिशियल एजिंग करने में किया जाता है.